आखिर किस पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हार्दिक? क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामेंगे पाटीदार नेता? हाल ही में गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को लेकर एक खबर सामने आई थी। उस खबर में कहा गया था कि हार्दिक पटेल पोरबंदर या सौराष्ट्र के अमरेली सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि हार्दिक किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बीच जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल होने को लेकर हार्दिक के साथ बातचीत चल रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि हार्दिक मेहसाणा या अमरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इन दोनों ही सीटों पर पटेल समुदाय का बड़ा प्रभाव माना जाता है। वहीं चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर हार्दिक ने कहा कि बिल्कुल हम 2019 में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनसे जब कांग्रेस में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में बाद में फैसला करेंगे। उधर हार्दिक ने केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वो सामान्य आरक्षण के फैसले से संतुष्ट हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान पटेल ने कहा कि मैं गैर पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण के फैसले निर्णय से खुश हूं, लेकिन पहले इसे सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति मिलने का इंतजार करना चाहिए। वहीं इस इंटरव्यू के दौरान हार्दिक ने संकेत देते हुए कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और लोकसभा चुनाव में उतरने के मुद्दे पर बाद में विचार विमर्श के बाद फैसला किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।